वेलकम बैक टू माई चैनल द डिवाइन पावर 111। तो दोस्तों जल्दी से ध्यान कर लीजिएगा अपने पार्टनर का। तो अभी हम चेक करेंगे अभी इस वक्त की करंट एनर्जी आपके पार्टनर की क्या है, उनके लाइफ में अभी इस वक्त पे क्या चल रहा है। ठीक है, तो रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, वीडियो के साथ आपको एंड तक बने रहना है। तो ध्यान कीजिएगा अपने पार्टनर का, तीन बार लीजिए उनका नाम अपने नाम के साथ। तो देखते हैं कि यूनिवर्स हमको कौन सा कार्ड देते हैं। यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति का ध्यान करते हुए, जिनके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देखते हैं, तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि उनकी लाइफ में अभी इस वक्त पे क्या चल रहा है। हे महादेव, हे शिव शक्ति, राधा कृष्ण, मेरे प्यारे बप्पा, आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ कार्ड्स दीजिएगा और बताइएगा कि इनकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है। ओके, ये बहुत सारे आ गए हैं, चले ले लेते हैं। तो चले देखते हैं कि यूनिवर्स हमको और क्या बताते हैं। मैजिशियन, फाइव ऑफ वैंड्स, ओके, ऑल जोडियक साइन है, ठीक है, सिक्स ऑफ कप्स, पास्ट लाइफ रिलेशन आप लोगों का यहाँ मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, सिक्स नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड, फाइव सिक्स सेवन, एट ऑफ स्वॉर्ड, ये क्या हो गया, स्वॉर्ड की एनर्जी, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो हो रहा है इनकी लाइफ में। टू ऑफ स्वॉर्ड, फाइव ऑफ स्वॉर्ड, सर पकड़ लिया, ये आपकी एनर्जी आई है। किंग ऑफ स्वॉर्ड, चले मैं इनको पहले सेटल कर देती हूँ। जस्टिस, ओके जी, कर्मा ईयर है तो ये तो होना ही था। समझे कुछ समझ में आया क्या? नहीं दी, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। ओके चले मैं बताती, ऑल जोडियक साइन है, लेकिन जो साइन ज़्यादा मोटे मोटे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है लिब्रा, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी एंड टॉरस राशि मुझे यहाँ पे ज़्यादातर नज़र आ रही है। आपने नोटिस किया यहाँ पे सारे कार्ड ग्रे शेड, ग्रीन शेड, ब्लैक शेड में आए हैं और बहुत सारी ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पे चीटिंग भी नज़र आ रही है। तो आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं, मेरे कुछ व्यूअर्स को तो चीटिंग मिली है अपने पार्टनर की तरफ से। तो यहाँ पे जो जस्टिस कार्ड आया है वो क्या बता रहा है, यहाँ पे उनको कर्मा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। पास्ट लाइफ रिलेशन है आप दोनों का, किसी जर्नी को, स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप लोग, ये आपकी एनर्जी आई है। तो इस समय आपके पार्टनर बहुत स्ट्रगल करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। अभी इस वक्त पे आपके पार्टनर काफ़ी कन्फ्यूज्ड मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, काफ़ी स्ट्रगल करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं, वही चीज़ें फेस कर रहे हैं जो चीज़ें आपने पास्ट में फेस करी थी। इन्होंने, हो सकता है कि मेरे व्यूवर्स को, हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स को चीटिंग मिली है इस रिलेशन में, धोखा मिला है, बहुत सी झूठ बोले गए हैं, बहुत सी चीज़ें आपसे छुपाई गई हैं। एक ऐसे इंसान के साथ आप डील कर रहे हो जिसके अंदर बहुत ईगो है, ये आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं या आप इनसे एज में बड़े हो सकते हो, वाइस वर्सा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने देखना है कि सिनेरियो आपके साथ कैसे मैच हो रहा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की अभी इस वक्त की सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल दिखाई दे रही है, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, दिमाग में सोच के दिमाग का इनका जो है ना वो बढ़ता बन चुका है। अभी अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी ओवर थिंक, क्योंकि यहाँ पे भी क्रोज है, ये आपकी यादें हैं, यहाँ पे भी क्रोज चिल्ला के बोल रहे हैं और यहाँ पे ये इन क्रोज के अंदर अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। देखा, ये इनका, इनकी सोच है, कौन सी सोच है, कौन सा रिग्रेट इनको अंदर ही आए जा रहा है, एक ऐसी गलती जो इन्होंने आपके साथ की है। आप बहुत इनोसेंट हो, काफ़ी लविंग हो, काफ़ी प्यारे इंसान हो, काफ़ी ऑनेस्ट हो, आपने इनको अनकंडीशनल प्यार दिया है, तो उस प्यार को इन्होंने किया है चीट, आपको दिया है धोखा। लेकिन यूनिवर्स कभी किसी को ऐसा करने की परमिशन नहीं देते हैं, इंसाफ हमेशा किया जाता है, चाहे ईयर कर्मा हो, चाहे कुछ कोई भी साल हो, लेकिन कर्मा आता ही आता है। तो यहाँ पे आपके रिलेशन में मुझे जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सेकंड, यहाँ पे आप नोटिस करोगे 2, 5, 6, 7, 8, ये क्या है, ये वो नंबर है जो आपको आजकल दिखाई देते होंगे, 1, 2, 3, 4 या 0, 1, 2, 3, 4, कुछ इस तरह के नंबर आपको दिखाई देते होंगे। और यहाँ पे यूनिवर्स ने ये नंबर इस तरह से दिए हैं कि इनको पहले जो इन्होंने आपसे झूठ बोला,
टू नंबर, इन्होंने जो आपको दिखाया झूठे सपने दिखाए, लेकिन इन्होंने क्या किया, आपकी आंखों पे अपने प्यार की पट्टी बांधी और आपकी सोच को अपनी कंट्रोल में करने की कोशिश करी। स्टेप बाय स्टेप इनको सारे कर्मा मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तभी तो यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी आई है 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स इनको स्टेप बाय स्टेप इनको कर्मा देते हुए नजर आ रहे हैं, अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। इन्होंने थर्ड पार्टी को भी यही आपके लिए, आप दोनों में जो थर्ड पार्टी आई थी वो भी यही लेके आए थे, और उस थर्ड पार्टी की तरफ से भी इनको चीटिंग मिल रही है, जो कि इनको अच्छे से चने चबाती हुई मुझे नज़र आ रही है अभी इस वक्त पे। जैसे मेरे कुछ व्यूवर्स लिखते हैं ना, किसको अपना कर्मा मिले कर्मा मिले, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स तब तक देखते हैं कि ये बंदा और कितना गलत कर सकता है किसी के साथ, तब उसको उसका कर्मा दिया जाता है। इन्होंने जैसे ये आपको छोड़ कर गए थे, जो ये देखा कैसे धीरे धीरे निकल रहा है, ऐसे ही आपके पार्टनर आपको बिना कोई क्लोजर दिए आपकी लाइफ से चले गए, ठीक है, आपको अकेले छोड़ा। इस समय ये अकेले हैं, ये स्टक हैं इस नेगेटिव सिचुएशन में, जिस थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था, उस थर्ड पार्टी की तरफ से इनको काफ़ी अच्छा खासा सबक सिखाया जा रहा है, काफ़ी इनको ट्रिगर दिए जा रहे हैं। हो सकता है कि आप बचपन के फ्रेंड हो सकते हो, सेम कॉलेज, सेम वर्क प्लेस, सेम कॉलोनी, सेम बिल्डिंग हो सकती है आप लोगों की, लेकिन यहाँ पे मैजिशियन कार्ड की एनर्जी बता रही है कि यहाँ यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस किया जा रहा है। आपने अपने इस पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है, और जो भी टेक्निक्स आपने करी हैं अब वो सारी की सारी वर्क करती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला कार्ड ही मैजिशियन का आया है। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, लेकिन आपको इस बात पे यकीन नहीं है, इसीलिए आप बार बार चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो, बार बार टेक्निक्स करते हो, बार बार मंत्रास या कोई भी स्पेल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। तो एक कीजिए और लेट गो कर दीजिए और सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स के आगे। की एनर्जी आई है, आपने देखा कि कैसे ये सोच विचार में बैठा हुआ है, कितना इसका बुरा हाल है, कितनी जो इसके अंदर एक एम्परर का हम कार्ड देखते हैं ना, जिसमें बड़ी अकड़ दिखा के वो ऐसे बैठा हुआ है दुनिया के ऊपर, ग्लोब के ऊपर। अब यहाँ ये कहाँ बैठा हुआ है, इसको खुद ही नहीं खबर है कि मेरा हाल क्या हो रखा है। इसके इर्द गिर्द कौवे हैं, चील है, आउल है, मतलब इसका हाल इतना खराब है, ये जंगलों में जाके बैठा हुआ है, अकेला रहना चाहता है, इसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, किसी से बात करना इसको अच्छा नहीं लगता है। 24/7 ये आपके बारे में सोचता है कि हाय वो मुझे कितना प्यार करती थी या करता था, लेकिन मैंने उसके प्यार की कदर नहीं की। कहीं ना कहीं इनको अच्छा खासा अब ये जो लेसन मिल रहा है ना, ये अच्छे खासे इस चीज़ को समझ रहे हैं कि मुझे यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पे कर्मा मिल रहा है, इनको इस चीज़ का अच्छे से पता है। जस्टिस कार्ड की एनर्जी ये बता रही है कि आपके रिलेशन में जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है, जो चीज़ें आपने फेस की थी पास्ट में, जो आपने धोखा देखा, चीटिंग देखी, रिजेक्शन देखा, इनका इग्नोर करना देखा, इनका बार बार आपका दिल तोड़ना देखा, तो वो चीज़ें अब ये फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है, फिर से सॉर्ड की एनर्जी आई है, 9 ऑफ सॉर्ड भी आ गया है यहाँ पे कार्ड हमें नज़र। तो यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर जो कि रातों को आपको जगाते थे, अब रात भर ये भी सो नहीं पाते हैं, यहाँ पे जस्टिस आप लोगों को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपने कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरे फेवर में काम करने के लिए, आपने उनको थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है। अभी इस वक्त पे आपके पार्टनर काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपना कर्मा फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस एनर्जी को क्लेम करते हुए आपने इस वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।